Hey intelligence, Chirag's here. Friends, as promised, taxation की वीडियो आ चुकी है. टैक्सेशन के अंदर मैं इस वीडियो के अंदर आपसे बिल्कुल डिस्कस करूंगा, बिल्कुल बेसिक से कि ये टैक्सेशन का सिस्टम आपको बेसिक से एडवांस पे लेके जाऊंगा कि जो टैक्सेशन का सिस्टम है इंडिया में काम कैसे करता है, इंडिविजुअल को कितना टैक्स देना चाहिए, एक कंपनी का क्या टैक्स का हिसाब होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इसके अंदर. आप इनकम टैक्स सब कुछ डिस्कस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, GST सब कुछ डिस्कस करेंगे. और ये पूरी एक सीरीज आएगी 8 से 9 वीडियोस की. तो फ्रेंड्स इसको पूरा देखना, तभी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल पहली वीडियो है. आज हम इसके अंदर बात करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस की, इनडायरेक्ट टैक्सेस की, जीएसटी की, थोड़ी बहुत मैं आपको ऊपर ऊपर तक लेके जाऊंगा, और इनकम टैक्स के अंदर ऊपर ऊपर से बात करेंगे. फ्रेंड्स देखो, इंडिया में जो भी टैक्स है ये दो तरीके से डिवाइड है, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स वो जो आप अपनी इनकम पे या अपनी प्रॉपर्टी पे खुद देते हो, मतलब आप इस टैक्स को किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो होता है डायरेक्ट टैक्स. अभी और एक्सप्लेन करता हूँ. सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी गुड्स और सर्विस पे, मतलब कोई सामान पे लगता है, कोई सामान या सर्विस पे लगता है, तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को आपसे कलेक्ट करता है कोई इंटरमीडिएटरी, इंटरमीडिएटरी मतलब कोई शॉप कलेक्ट करती है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स को आपको, डायरेक्ट टैक्स को आपसे डायरेक्ट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है. जो इंटरमीडिएटरी होती है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, वो आपसे डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती है और वो गवर्नमेंट तक ले जाती है. एक एग्जांपल लेते हैं, आपने 50,000 की आपकी सैलरी आई, आपने 5,000 पे आपने सपोज करा टैक्स पे कर दिया. अब टैक्स पे आपने किसको करा, आपने टैक्स पे करा डायरेक्ट गवर्नमेंट को, तो ये हुआ डायरेक्ट टैक्स. सेकेंड है इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब आप गए किसी शॉप के पास, आपने 100 रुपये का मान लो आटा खरीद लिया, आटा खरीद के आपका बन गया 5% टैक्स, 5% GST आपने दे दिया, आपका 5% टैक्स हो गया 5 रुपये. तो आपने 5 रुपये किसको दिया, गवर्नमेंट को नहीं, आपने 5 रुपये दिया शॉपकीपर को, तो शॉपकीपर जो है वो आपका टैक्स जो है वो गवर्नमेंट तक ले जाएगा, तो ये हुआ इनडायरेक्ट टैक्स. अब फ्रेंड्स इनडायरेक्ट टैक्स ना पहले बहुत तरीके के हुआ करते थे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट और बहुत सारे हुआ करते थे, मेरे को नाम भी याद नहीं है. तो इसलिए ना जो शॉप, जो लोग थे, इंडिविजुअल्स थे या कॉर्पोरेट थे या फिर सब लोगों के अंदर कन्फ्यूजन थी कि यार ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, तो गवर्नमेंट ने सब कुछ एबोलिश कर दिया. अब नई चीज़ गवर्नमेंट लाई है, वो है GST. GST गवर्नमेंट ने लॉन्च करा किस लिए, ताकि जो सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी ना, जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी, ये सब खत्म हो जाए. तो इसलिए गवर्नमेंट लाई GST को. GST से बेनिफिट क्या हुआ, GST अब एक ही टैक्स है, लेकिन GST को भी 3 तरीके से डिफरेंशिएट कर रखा है. पता आपको, GST है स्टेट, मतलब कि SGST, SGST, CGST एंड IGST. SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, GST आप समझ चुके हो, गुड्स और सर्विस टैक्स. कोई भी गुड्स और सर्विस पर टैक्स लगता है वो GST है आज के टाइम पे. पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, एक्साइज ड्यूटी वगैरह बहुत सारे. अब SGST, CGST, IGST क्या है? अब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आपको बिल आता है, बिल में लिखा होता है CGST 5% और SGST 5%, 2.5 होता है एक्चुअली. तो हाँ, आप जाते हो, आप टैक्स पे करते हो. अब जो आपका 2.5% है वो कहाँ जाता है और 2.5% कहाँ जाता है? अब जो आपका 2.5% SGST में लिखा है वो जाता है टैक्स आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास, और जो आपका जो 2.5% लिखा है वो जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. फ्रेंड्स एक्चुअली बात ऐसी है कि जो टैक्सेज है ना, ये दो ही जगह पे जाते हैं मैक्सिमम. ये जाते हैं या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये मेजर टैक्सेस. लेकिन छोटे मोटे टैक्सेस जाते हैं कहीं और, जैसे कि आपका छोटे मोटे टैक्सेस चले जाते हैं आपके पास ग्राम पंचायत में, चले जाते हैं छोटे मोटे टैक्सेस म्यूनिसिपैलिटी में, छोटे मोटे टैक्सेस देते हो. जो अपने घर का टैक्स देते हो ना, कि घर पे आपने घर की आपका लोकेलिटी का टैक्स देते हो, वो जाते हैं आपका म्यूनिसिपैलिटी के पास. ऐसे छोटे मोटे टैक्स जाते हैं म्यूनिसिपैलिटी के पास, लेकिन इनकम टैक्स, GST ये सब जाते हैं आपका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. ये हम बताएंगे आपको कैसे कैसे जाते हैं, हम डिस्कस करेंगे. तो हम बात कर रहे थे SGST, IGST और CGST के बारे में. SGST मतलब जो भी टैक्स स्टेट पे जाएगा वो जाएगा SGST के अंदर. और GST बिल्कुल याद रखो, GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स GST है, डायरेक्ट टैक्स अभी वैसा कि वैसा ही है, बस इनडायरेक्ट टैक्स को चेंज करके उसके अंदर GST लिया है. इनडायरेक्ट टैक्स की बात आए आप समझो GST की बात हो रही है, या GST की बात आए आप समझो इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है. तो इनडायरेक्ट टैक्स में हम GST लिया है, GST ने सब कुछ आसान कर दिया. अब GST का सिस्टम बता चुका हूँ आपको मैं, इसमें SGST, CGST, IGST होता है. SGST स्टेट के पास, CGST सेंट्रल के पास, IGST क्या होता है? IGST जो भी टैक्स होता है वो जाता है आपका सेंट्रल के पास. ये IGST होता क्या है? इंटीग्रेटेड, मतलब कि इसका समझो, अगर आपने कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड सप्लाई करे, फॉर एग्जांपल आपने हरियाणा से दिल्ली में गुड सप्लाई करे, तो अब इसका टैक्स कौन लेगा? इसका टैक्स ना हरियाणा लेगा ना दिल्ली लेगा, इसका टैक्स लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका टैक्स लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट. अभी आपको सेंट्रल स्टेट समझ नहीं आ रहा, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी इसकी भी वीडियो बना दूंगा.
इसका टैक्स कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको तीनों समझ आ गए, IGST और CGST का टैक्स जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और SGST का जो टैक्स जाता है वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये बात हुई इनडायरेक्ट टैक्स की। अब डायरेक्ट टैक्स के अंदर, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपके पास आता है इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और काफ़ी सारे टैक्स आते हैं, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। ये इनकम टैक्स का क्या चक्कर है फ्रेंड्स? देखो, इनकम टैक्स डिपेंड करता है एक चीज़ पे, जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है फ्रेंड्स? दो चीज़ होती हैं, एक होता है सिटीजन, एक होता है रेसिडेंट। यदि दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, इन दोनों में से रेसिडेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इनकम टैक्स, एंड सिटीजन का कोई महत्व नहीं है। देखो, आप अगर सिटीजन हो या ना हो, इसका इनकम टैक्सेशन से कोई लेन देन नहीं है। सिटीजन क्या होता है, आपने सुना होगा NRI। अब भारत के नागरिक हो या नहीं हो, ये सिटीजनशिप होता है। NRI सुना होगा आपने, NRI कौन? नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, मतलब वो भारत में रह नहीं रहा बट वो भारत का सिटीजन तो है ना। ओके, तो ये होता है सिटीजन। लेकिन रेसिडेंट कौन होता है? जो भारत में रह रहा है। उस रहने की भी एक कंडीशन होती हैं, वो कंडीशन अगर वो जो बंदा है वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इनकम टैक्स की लिमिट में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब देखो, रेसिडेंट चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर आप भारत में 182 दिन 182 डेज उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, एक सेकंड, प्रीवियस ईयर क्या होता है फ्रेंड्स? प्रीवियस ईयर मतलब होता है ये ईयर, जिस ईयर में आपने इनकम अर्न करी है। जैसे कि 2020 है, तो 2020 प्रीवियस ईयर है, आप इस ईयर में इनकम अर्न कर रहे हो, और इसका जो टैक्स दोगे आप नेक्स्ट ईयर में दोगे, मतलब 2021 में दोगे। तो 2021 से लेकर 2022 तक आपका हो गया नेक्स्ट ईयर, मतलब कि असेसमेंट ईयर। तो दो वर्ड है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, गॉट इट? तो 182 दिन आप प्रीवियस ईयर में भारत में हो तो आप हो गए भारत के रेसिडेंट। या फिर अगर आप 182 दिन नहीं हो तो दूसरी कंडीशन, या फिर मैं बोल रहा हूँ या फिर मतलब, और इन दोनों में से आप एक सेटिस्फाई करोगे तो आप रेसिडेंट हो जाओगे। दूसरी कंडीशन क्या है? या प्रीवियस ईयर में सिर्फ 60 दिन हो, सिर्फ 60 दिन आप, कम से कम, इससे ज़्यादा भी हो सकते हो। अगर आप 60 दिन भारत में हो और इस 60 दिन के साथ साथ आप 365 दिन, 365 डेज अगर आप भारत के अंदर हो पिछले 4 सालों में, मतलब 2020 में आप 60 दिन हो, 60 दिन या 60 से ज़्यादा 60 दिन हो, और उससे पिछले 4 साल, मतलब कि 2019, 2018, 2017, 2016, इन 4 सालों के अंदर आप 365 डेज भारत के अंदर हो, तो आपको टैक्स, आप एक रेजिडेंट बन जाओगे भारत के, तो आपको उस अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग आती है, अब आप रेजिडेंट बनेंगे, अगर आप इन दोनों में से दोनों फुलफिल करते हो तो बेस्ट, अगर आप इन दोनों में से एक भी फुलफिल करते हो तो बढ़िया है, तब भी आप रेजिडेंट हो। लेकिन आप इन दोनों में से कोई भी फुलफिल नहीं करते ना, मतलब कि आप न फर्स्ट करो न सेकंड करो, तो आप बन के नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट की हम बात करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन अब अगर आप रेजिडेंट बन गए, अब रेजिडेंट बनने के बाद आपके पास दो कैटेगरी और खुल जाएंगी, एक रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और दूसरा रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने जो एक, ये दो कंडीशन है, आपने ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी दोनों, अगर आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आप रेजिडेंट भी हो और ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो इंडिया के। लेकिन अगर आपने इनमें से एक सेटिस्फाई करी या फिर दोनों में से दोनों ही नहीं करी, तो आप रेजिडेंट हो बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो इंडिया के। अभी कंडीशंस, कंडीशन ये है कि आप पिछले 7 सालों के अंदर, पिछले 7 सालों के अंदर 730 दिन 730 डेज भारत में हो, मतलब कि 2020 से पिछले 7 साल, उनमें के अंदर आप भारत में 730 दिन हो तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। और सेकेंड कंडीशन, आप पिछले 10 सालों में जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हैं उनके 10 सालों के अंदर आप कोई 2 साल अगर भारत के नागरिक हो, भारत के रेसिडेंट हो, रेसिडेंट चेक करने का तरीका पूरा बताया आपको, अगर आप भारत के रेसिडेंट हो, मतलब कि आप 182 डेज या 60 डेज, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फिलफिल कर रहे हो, तो आप भारत के ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो जाओगे। आर यू गेटिंग इट? तो मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप 7 सालों में से, पिछले 7 सालों में से, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 7 ईयर्स में से आप 730 दिन भारत के अंदर हो, तो और साथ साथ आप पिछले 10 सालों में से कोई भी 2 साल, पिछले 10 सालों में से कोई भी 2 साल अगर आप भारत के रेसिडेंट हो, तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो जाओगे। और अगर आप इन दोनों में से कोई भी फुलफिल नहीं करते तो आप, मतलब कि आप रेसिडेंट हो बस, और नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो, मतलब कि रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। रिगार्डिंग इट, तो हमारी इस पूरे चार्ट से 3 चीज़ें निकल गई यार। एक होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, एक होता है रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और थर्ड होता है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, सॉरी नॉन रेसिडेंट। हाँ, तो ये 3 चीज़ें निकल गई आपके पास। अब इन 3 चीज़ों का टैक्सेशन से रिलेटेड क्या है? अब फ्रेंड्स देखो, अभी टैक्सेबल कौन कौन सी इनकम होती है इन 3 बंदों की?
अब आप तीनों में से कुछ ना कुछ तो होगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो भारत के अंदर या फिर कहीं भी, तो आप इन तीनों में से कुछ ना कुछ हो। सबसे पहले अगर आपकी कोई भी इंडियन इनकम हुई है तो जो नॉन रेजिडेंट वाला बंदा होगा वो इंडियन इनकम पे टैक्स पे करेगा, और अगर वो जो बंदा है वो है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो आप इंडियन इनकम पे टैक्स पे करोगे, और अगर आप रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तब भी आप इंडियन इनकम पे टैक्स पे करोगे। तो समझे, आप इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी में आओ, आप इंडियन में जो आपकी इंडिया में जो आपकी इनकम होगी उन सब पे आप इंडिया के अंदर ही टैक्स पे करोगे। सेकंड बात आती है फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम के अंदर अगर आप नॉन रेजिडेंट हो भारत के, अगर आप रेजिडेंट नहीं हो भारत के, तो जो फॉरेन इनकम होगी आप उसका भारत में टैक्स पे नहीं करोगे। सेकंड होती है आपकी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो हमारी सबसे पहली कंडीशन थी, अगर आप उसके अंदर आते हो तो आप भारत में उसका टैक्स पे करोगे, उसका टैक्स पे करोगे। सेकंड आता है थर्ड आता है आपके पास रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, देखो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के अंदर आते हो, तो आपके पास जो भी इनकम फॉरेन से हुई है उसका टैक्स पे आप तभी करोगे जब आपका जो बिजनेस, पर्टिकुलर बिजनेस या प्रोफेशन जो भी है, अगर आप उसको भारत से बैठे बैठे मैनेज कर रहे हो तो आप उसका टैक्स इंडिया पे करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि टैक्सेशन सिस्टम काम कैसे करता है। बाकी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा यार कि आप इनकम जो है ये सारी, ये इनकम कैसे कैसे बनती है, इसके 5 हेड्स होते हैं कि गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि भाई हमारी इनकम कौन सी हुई है या फिर किस पे कितना टैक्स लगेगा, इन सब की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स वैसे भी मेरी यार ये बिल्कुल पहली फेस कैम वीडियो थी, तो अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कोई शिकायत हो कि यार ये बढ़िया नहीं बोल रहा, या फिर कुछ दिक्कत लगे आपको, कोई सजेशन हो आपका, कोई क्वेरी हो आपकी, तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, या इंस्टाग्राम पे नहीं भी आना तो कोई बात नहीं यार, आप नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें बताओ मेरे को कि यार चिराग यार ये बढ़िया मज़े नहीं आए इसको सुन के, इसको रिपीट कर दिया, कुछ भी हो आपका तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्री होकर बताओ, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा इंस्टाग्राम पे भी और कमेंट सेक्शन में भी। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो भी जरूर आएगी, और टिल देन टेक केयर।